हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि मैं अपनी यूजुअल वीडियोस में करता हूँ। तो इसके अलावा मैं आज एक कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अब से ट्राई करूँगा कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूँ जिसमें मैं लेटेस्ट क्यूबिंग न्यूज़ और क्यूबिंग में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है या कोई फ़नी इवेंट हो रहा है क्यूबिंग में, तो मैं उस सारी चीज़ों को कवर करूँगा इस वाली सीरीज़ में। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे ये वीडियो डालूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ लगातार देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात आई है तो मैक्स पर कहाँ पीछे रहने वाला है। तो रिसेंटली अभी आपने सुना ही होगा कि टीमन कॉलिन शिंकी ने 4.86 का वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज तोड़ दिया था, जो प्रीवियस मैक्स पार्क ने तोड़ा था 5.08 का। तो मैक्स पार्क ने फिर से टीमन कॉलिन शिंकी के एवरेज को टाई कर दिया है, मतलब उसे भी 4.86 का ही एवरेज मिला है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैक्स पार्क की न्यूज़ बस ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, इसने एक और 7x7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सिंगल और एवरेज दोनों का। तो सिंगल जो पहले कहीं 1:40 का राउंड था, लेकिन इसने डाउन कर दिया वो सीधा 1:35 तक, जो काफ़ी ही बड़ी बात है 7x7 इवेंट के लिए। तो ये है मैक्स पार्क का 7x7 का वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज, जो उसने बीट कर दिया है पहले के टाइम से, और जो वो भी काफ़ी कम है। तो अगली जो स्टोरी है वो क्यूबिंग से ऐसा तो कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में कई बार देखा होगा कि कई सारे बंदे होते हैं वो जैसे वो किसी के पिक्चर की मोज़ेक ऐड बना देते हैं और फिर वो बंदा उस पर आके कमेंट कर देता है ना। तो ऐसे ही हुआ कुछ दिनेश कार्तिक के साथ। तो रिसेंटली उन्होंने अपना फर्स्ट डेब्यू दिया एज द कैप्टन ऑफ इंडिया टीम इन क्रिकेट। तो एक लड़का था, बच्चा था, जिसका नाम था पृथ्वेश के। तो उसने दिनेश कार्तिक की मोज़ेक ऐड बनाई थी 600 रुपीज़ क्यूब से, जो कि काफ़ी अच्छी है देखने में, क्योंकि इसमें ब्लैक स्टिकर्स भी है जो कि अक्सर काफ़ी सारे मोज़ेक आर्ट्स में यूज़ नहीं होते, काफ़ी सारे आर्टिस्ट यूज़ नहीं करते। तो ये उसने बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। और वैसे तो ऐसी मोज़ेक काफ़ी सारी बनती रहती है, लेकिन जो चीज़ इस स्टोरी को बहुत ही खास बनाती है वो है कि दिनेश कार्तिक ने खुद इस पर करके हुए से कहा था कि बेसिकली उसने काफ़ी अच्छी मोज़ेक आर्ट बनाई और वो उसे रियली अप्रिशिएट करते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट स्टोरी या वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हो आप एक तरीके से। एक बेंगलुरु की एक लड़की थी जो कि सिर्फ 6 साल की थी, उसने 6 रूबिक्स क्यूब से सॉल्व किए थे, वो भी 2:03 में। और जो मेन बात वो ये है कि वो ये सारे क्यूब सॉल्व कर रही थी और साथ ही साथ 12 मैथ्स के क्वेश्चंस उसने आंसर भी किए हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, वो 6 साल की बच्ची थी तो उसके लिए तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है एटलीस्ट। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगला मैथ्स पार्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से महीने में आने वाला है। मेरा गैस तो अक्टूबर है, अक्टूबर में उसका एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर आएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे इस वीडियो पर 10 लाइक्स चाहिए। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय। मेरा क्यूब भी सॉल्व हो गया मेगा मिक्स।